यहाँ पर लापता छात्रा जली हालत में मिली है। यहाँ पर लापता बीए की छात्रा जली हुई हालत में पाई गई है, नग्न हालत में झुलसी हुई मिली खेत में। कॉलेज से गायब हुई थी बीए की छात्रा, पिता कॉलेज के गेट पर ही यहाँ पर इंतजार कर रहा था। पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया है, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप, तिरहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ का मामला बताया जा रहा, और अभी तक हालांकि पुलिस जो है यहां पर कौन इसके पीछे है, इस घटना के पीछे इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई है। हालांकि छात्रा से भी बयान दर्ज कराए जाएंगे, लेकिन अभी उसकी स्थिति नाजुक है और अभी घबराई हुई छात्रा बताई जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, बाद में हम एक बार फिर से छात्रा से पूछताछ करेंगे। तो गंभीर हालत में छात्रा को फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ के पास का मामला है, जहां पर लापता छात्रा जली हुई हालत में मिली है, नग्न हालत में झुलसी हुई खेत में पाई गई है छात्रा। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर लापता छात्रा अधजली अवस्था में पाई गई। छात्रा की हालत को नाजुक देखते हुए पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन वहां पर भी उसकी स्थिति गंभीर बताई गई, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। और इसके बाद पुलिस यहां पर इंतजार कर रही है उन लोगों को पकड़ने का, जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त होंगे, और बयान दर्ज कराए जाएंगे छात्रा के भी, लेकिन अभी तक छात्रा के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसके साथ ये कुकृत्य किया। इसी के बाद जो परिवारिक जन हैं वो भी यहां पर अपनी आपबीती बताते नजर आए हैं। पिता ने कहा कि किस तरीके से वो स्कूल या कॉलेज के गेट पर यहां पर बैठा इंतजार कर रहा था अपनी बेटी का, लेकिन 3 बजने के बाद उसने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, तो उसके बाद 5 बजे तक उसकी बेटी का कुछ पता ना चल सका। स्कूल में छोड़ दिया, स्कूल में चली गई। 12 बजे तक उसकी सहेली का फोन किया तो उसने कहा 12 बजे तक साथ में थी, 12 बजे के बाद नहीं पता, हम बाहर गेट बैठे थे। 3 बजे छुट्टी होती, उसी टाइम हमने ढूंढना शुरू किया, नहीं मिली कहीं। ढूंढते ढूंढते 5 बजे गए, अंधेरा हो गया। 5 से 5:30 तक पुलिस वालों का फोन आया, फोन आया कि नगरिया मोड़ पे लड़की है, जली हुई, जल्दी आओ। तो हम भागते हुए गए, मोटरसाइकिल वहाँ नहीं चले, अस्पताल आ चुके। अच्छा ये बताओ, आज आप छोड़ ले आए या बराबर आते थे? बराबर डेली जब आती है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन तब हम लेके ही जाते हैं, अकेले कभी आती नहीं। अच्छा अकेले हम जाएंगे नहीं। रोज आती है या रोज दिन? नहीं आती, 8 दिन 10 दिन 15 दिन एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई, और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। और उस महिला से जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है, और उससे उसके पूरी तरह होश में है और उससे उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई, तो सब बता रही है, लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। बाकी घटना कैसे क्या हुई उसके साथ में, इस संबंध में हम लोग गहनता से छानबीन कर रहे हैं, और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की। अमित सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी तक इस पूरे मामले में कुछ और बातें सामने आती दिख रही हैं क्या, कि कोई वजह स्पष्ट हो पाई हो जिसकी वजह से छात्रा के साथ ये घटना घटी? देखिए शिवानी, आपको बता दें घटना बेहद शर्मनाक है, क्योंकि एक युवती को आग लगा दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में जांच कर रही है, हालांकि मीडिया से बस्ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कल देर रात की घटना है। हालांकि जब मीडिया ने पुलिस से बात करने की कोशिश करी अतिथि बात तो उनका साफ तौर पर यही कह रहा था कि इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद ही क्लियर होगा। हालांकि जो छात्रा है उसकी हालत अभी बेहद नाजुक बनी हुई है और उसको हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। जी अमित, यहाँ पर जो कॉलेज का प्रबंधन है उनसे भी यहाँ पर पूछताछ हुई है क्या, क्योंकि यहाँ पर
छात्रा अंदर ही थी, पिता का कहना था वो बाहर निकली नहीं, तो गायब कैसे हो गई वहां से, फिर उसके बाद कैसे जली हुई अवस्था में पाई गई? हाँ देखिए शिवानी, आपको बता दें जो एसएस कॉलेज है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वामी चिन्मयानंद का कॉलेज है। हालांकि पुलिस वहां भी कहता था, जांच चल रही है और सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर इस छात्रा के साथ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था, जो आशंका की जा रही है कि कहीं कोई कोई ऐसा व्यक्ति हो तो जिसने आग लगा दी हो। जी अमित, पता चल पाया क्या उस छात्रा के कोई दोस्त या कोई और जो कॉलेज परिसर में आखिरी टाइम उसके साथ रहा, उससे कुछ बातचीत हो पाई हो, इसको लेकर कोई अपडेट मिली क्या? देखिए परिजनों से भी बात नहीं हो पाई है क्योंकि परिजन युवती के साथ ही वहां लखनऊ गए हुए। हालांकि अभी आशंका यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का ही मामला हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, अजय हमारे साथ शाहजहांपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे शाहजहांपुर अजय के पास। अजय, आपके पास क्या ताजा अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए शिवांगी, बताना चाहूंगा कि युक्ति जो है जल जाती है और पुलिस जो है पूरी मीडिया से इस समय फासला बनाई हुई है। रात को जब हॉस्पिटल लेके आए थे तब भी मीडिया से बात नहीं करनी दी गई, लेकिन युक्ति जिस तरह से एसपी का कहना है भारत समाचार को, उन्होंने बताया कि युक्ति जो है अपना घर का पता बता रही है, मोबाइल नंबर बताया तब जाके उसके घर वालों को सूचित किया। लेकिन जब उस हादसे की बात की जाती तो बदहवास हो जाती है, एकदम घबरा जाती है। तो कहीं ना कहीं वो युक्ति एक दिल दहलाने वाली घटना से रूबरू हुई है कि छात्रा को जो है कॉलेज से अपहरण किया गया और फिर जो है हाईवे पे ले जाया गया। तो कहीं कहीं उसकी जो अपहरण करता है उनके मंसूबे गलत थे, उनको कहीं कहीं कुछ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी और जब वो मंसूबों को अमल होते नहीं दिखा, उन्हें अपने मंसूबों को हावी होते नहीं दिखा तो उन्होंने जो है युवती को जला दिया और अपने कि कहीं वो अपने साक्ष्य मिटाने के लिए युवती को जला दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल बात की जाए तो युवती की स्थिति जो है अभी चिंताजनक बनी हुई है, पुलिस ने उसे लखनऊ हायर सेंटर रेफर कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है बरेली मंडल की, शिवांगी मैं बात करना चाहूंगा कि एक महीने में ये दूसरी घटना है, ये कुछ दिन पहले बरेली में एक किसान को जिंदा जलाकर मार दिया गया था और दूसरी घटना ये है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में जो है उत्तर प्रदेश में बदमाशों के मंसूबे जो है निरंतर जो है बड़े होते जा रहे हैं। शिवांगी अब सीधे संजय का रुख कर लेते हैं, संजय हमारे साथ बने। संजय लगातार देखिए महिला सुरक्षा को लेकर नारे दिए जाते हैं, बजट में भी भारी भरकम यहाँ पर पूरा एक प्रावधान हो जाता है एक धनराशि का, उसके बावजूद यहां पर नकेल कस्ती नहीं दिख रही दरिंदों पर, एक और वाक्य सामने आ गया। अब तो बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना घटी है कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक घटना है और युवती लखनऊ के ट्रामा सेंटर में बताया जा रहा है कि उसको एडमिट कराया गया है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी चूंकि बातचीत कर पाने की स्थितियों में नहीं है और क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है सरकारी तंत्र पर, क्योंकि शक्ति मिशन और सरकार के एजेंडे पर महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम प्रोग्राम अभी कुछ ही दिन पहले पूरे प्रदेश में तमाम प्रोग्राम महिलाओं को जागरूक करने के किए गए, उनकी सुरक्षा को क्या क्या इंतजाम सरकार कर रही है उन पर बताने के लिए खर्च किया गया। लेकिन सच्चाई ये कि जमीन पर किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है, उसका रिजल्ट कितना निकल करके आ पा रहा है, वो ये घटना खुद सबूत बनकर के बयां कर रही है कि एक युवती अर्धनग्न अवस्था में अर्धजली अवस्था में हाईवे पर मिलती है और उस घटना के बाद भी पुलिस के पास अभी तक कोई भी परिणाम निकल करके सामने नहीं आ पाया है, ना ही उन तमाम दोषियों तक पुलिस पहुंच पाई है। केवल और केवल इस मामले को घुमाने का जो पूरी तरीके से पुलिस प्रयास कर रही है, सच्चाई से रूबरू कराने में बच रही है। शिवांगी अजय का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अजय, यहाँ पर जो छात्रा है वो कितनी फीसदी यहाँ पर झुलसी बताई जा रही है, डॉक्टर्स ने क्या कहा उसके बाद उसे जब हायर सेंटर रेफर किया गया तो कैसी स्थिति उस वक्त स्थिति उसकी थी? देखिए शिवांगी, अगर डॉक्टरों से भारत समाचार से बात हुई तो उन्होंने कहा है लगभग 50% युवती जल चुकी है, लेकिन शाहजहांपुर जैसे छोटे जिले में उसका इलाज इतना बेहतर नहीं होता, इसलिए पुलिस प्रशासन ने जो है उसको हायर सेंटर लखनऊ भेजा गया और वहां उसकी स्थिति जो अभी चिंताजनक बनी हुई, कुछ देर में जो है मेडिकल बुलेटिन इशू किया जाएगा, पुलिस बताएगी मीडिया को कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी आई वहां युवती जो है उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, परिवार वालों की हालत बेहद खराब है क्योंकि अभी तक जो है पूरी घटना का अनावरण तो दूर एक क्लू तक लगाने को पुलिस के हाथ नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज का दावा कर रही थी कि वहां पर कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज देखेंगे उसके बाद हम शायद पहुंच पाएंगे अपराधियों तक, लेकिन अभी तक जो है खाली हाथ है पुलिस की, इतनी बड़ी घटना हो जाती है हाईवे पे युवती को जला दिया जाता है, गांव वालों जो है उसको बचा के पुलिस को सूचित किया, लेकिन अभी तक जो है पुलिस की जो कार्रवाई उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अभी लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है इसमें और अभी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। शिवांगी चलिए आप दोनों नजर बना के रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर से खबर जहां पर चार